हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्री ट्रेनिंग क्लासेस, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, जॉब इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर, केस स्टडी, केस नंबर 5। टुडे वी विल डिस्कस द केस नंबर 5, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन। आफ्टर दैट राइट ए रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू सेफ्टी नॉर्म्स इंटरनेशनल लेवल। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं केस नंबर 5 के स्टडी, जो हम अंतर्राष्ट्रीय मानक को मानते हुए हम इसको लिखेंगे। एक ऑयल गैस कंपनी जो सऊदी अरब में काम करती है, अचानक एक जहरीली गैस के रिसाव होने के कारण उस कंपनी में हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ की डेथ हो जाती है। वहां सेफ्टी पहले से ही कार्य कर रहा है, इसके बावजूद भी घटना घटित हुई। ये ध्यान दीजिएगा, ये केस है, सिनेरियो आपके सामने पूरा विवरण है। एक ऑयल और गैस कंपनी है, पहला कौन सी कंपनी है, तो ऑयल एंड गैस कंपनी है। कहाँ पे है, सऊदी अरब में काम करती है। अचानक एक जहरीली गैस का रिसाव होता है और कंपनी के हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इवन यहाँ तक कि उससे कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। वहाँ सेफ्टी पहले से ही वर्क कर रहा है, इसके बावजूद भी घटना हुई, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं कोई चूक हुआ है। वो क्या हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसकी जांच करते हैं, देखते हैं, हम इस घटना की एनालिसिस करते हैं। घटना होने का कारण जब पता लगाया गया तो यह पाया गया कि यह गैस स्टोरेज टैंक से लीक हुई है। मैं यहाँ पे एक हिंट आपको मिल जाता है, घटना होने के कारण जब यह पता लगाया गया तो यह पाया गया कि यह गैस स्टोरेज टैंक से लीक हुआ। यह तुरंत का कारण, लेकिन वास्तव में मुख्य कारण क्या है, यह तुरंत का कारण था कि गैस रिसा लीकेज था। इसका मतलब कि उस स्टोरेज टैंक में जहाँ पे पेट्रोलियम या ऑयल या गैस स्टोर किया जाता था, उसमें हाल ही में कुछ न कुछ काम हुआ था, और हाल ही में काम हुआ था, ये प्रॉब्लम्स वहीं से हुई है, और हाल ही में काम होने के कारण वहीं कहीं ना कहीं चूक हुआ है, और उसी चूक के वजह से, उसी मिस्टेक के वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। क्योंकि अगर वह गैस का रिसाव नहीं होता, वह गैस बाहर नहीं आती स्टोरेज टैंक से, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट नहीं होती। इस घटना पे आपको रिपोर्ट तैयार करना है, और वो भी सेफ्टी को सामने रखते हुए, उसके रूल्स और रेगुलेशन को सामने रखते हुए। मैं कुछ आपको हिंट दूंगा, कुछ ऐसे वर्ड्स देंगे जिस पे आप काम कर सकते हैं। पहला सेफ्टी पॉलिसी, दूसरा सेफ्टी कल्चर, टैंक लीक क्यों हुआ, कारण क्या है, एम्प्लाई गैस की चपेट में कैसे आया। अगर इम्प्लाई गैस की चपेट में आता है, वर्कर गैस की चपेट में आता है, इसका मतलब कि क्या उसने मास्क लगाया था कि नहीं। जबकि ऑयल एंड गैस फैक्ट्री में जहाँ पे इस तरह का काम होता है, वहाँ पे आपको ये मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका मतलब कि जितने लोग बीमार पड़े, जितने लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये अपने जो सुरक्षा के उपकरण उनके हैं उससे वो टेम्पर होते थे या उसका पालन नहीं करते थे, उसे इग्नोर करते होंगे। क्योंकि वहाँ यह स्ट्रिक्टली ये बोला गया है, ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो भी आपके सेफ्टी की ज़रूरत होती है, जो भी नीड है, उन इक्विपमेंट्स, उन कंपोनेंट्स को आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, आपको बियर करना है, उसे पहनना है। मुख्य रूट काज होता है, सामने का काज कुछ हुआ गैस रिसाव के कारण, लेकिन इसका मुख्य कारण कुछ और होगा। जब इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, जब जांच करेंगे, तो पता चलेगा कि आप क्या क्या करते हैं। रिजल्ट एक बड़ी दुर्घटना, रिजल्ट जो बन रही है हमारे पास में, एक बड़ी दुर्घटना। अब देखिए, मुख्य रूट काज कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो आप सोचेंगे, अब ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि चलो भाई रूट काज इन्वेस्टिगेशन का भी शायद छोड़ देते हैं, नहीं, आप सोचो इन्वेस्टिगेशन, सोचिए कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाओ और जांच करो, जांच करने के बाद रिपोर्ट तैयार करो, तो आप क्या करोगे। आप सोचो कि आप गए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सभी संभावनाओं को आपको राइट करना है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहाँ वर्क परमिट ने अच्छे से काम नहीं किया होगा, वहाँ जो लीक ठीक करने वाली जो टीम गई होगी उसने अच्छे से काम नहीं किया होगा, वहाँ जो परमिट देख रहा होगा वो अच्छे से परमिट चेक नहीं किया होगा और डन किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं सारे लोग जिम्मेदार होते हैं, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, प्लीज ये सोचिए, लिखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बिग होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, आपकी जॉब पक्की होती जाएगी। यदि आप इसको भी नहीं समझ पाते, मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ बहुत से आसान तरीकों में, मैंने हिंदी में भी राइट करने की कोशिश किया, तो
लेकिन ये मकसद क्या था आपको समझाने का कि आप जहां भी हो, आप देश हमारे देश में हैं, बाहर हैं, बाहर के देशों में हो, सऊदी में हैं, मस्कट में, आप जहां भी बहरीन में हैं काम कर रहे हैं, तो वहां भी ये चीज़ जाए। यदि आप हमारे हिंदी भाषी हैं, हिंदुस्तान से हैं या ऐसे देश से हैं जहां पे हिंदी को समझा जाता है, तो आप इस चीज़ को करें, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मेरी विशेष आपके साथ है, मैं हमेशा चाहूँगा कि आप हमेशा सेफ रहें, हमेशा अच्छी तरह से काम करें, क्योंकि यू आर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर फैमिली। आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए आप गए हुए हैं, दूसरे देश में गए हुए हैं, अपने परिवार को बहुत दिनों से छोड़ा हुआ है, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मदर, आपके फादर, आपका गाँव, आपका देश, that is the most important, especially for you. So always remember, please follow rule and regulation after that doing work. Okay. Thank you for watching. Wish you all the best.